देखते आज की बड़ी खबर। 30 जनवरी को जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर देश भर में आयोजन हो रहे थे, उस समय उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कुछ कार्यकर्ताओं ने ऐसी हरकत की जिसे देखकर राष्ट्र स्तब्ध रह गया। इन कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी के पुतले पर 3 गोलियां मारी, पुतले को फूंका। इतना ही नहीं, इस दौरान गोडसे जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे ने एक कृत्रिम बंदूक का इस्तेमाल करके गांधी के पुतले को गोली मारी, जिसके बाद पुतले से खून भी बहाया गया। इस संबंध में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अलीगढ़ के नौरंगाबाद इलाके में हुई इस घटना के सिलसिले में हिंदू महासभा की महिला नेता शकुन पांडे सहित 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। पांडे ने बुधवार को गांधी पुतले को गोली मारने के बाद गोडसे की प्रतिमा को माला पहनाकर गांधी की हत्या की याद में वहां मिठाई भी बांटी गई, जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिस पर देश भर से लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसको लेकर काफी आलोचना भी हो रही है। अभिषेक उस साइड जाओ, दादा उस साइड जाओ, बैंडी इधर आओ, सभी उस साइड जाइए। चलाना नहीं अभी तो फोटो सेशन हो। आप जो कर रहे करो। महात्मा नाथूराम गोडसे, महात्मा नाथूराम गोडसे। हाँ भाई सब रेडी है? रेडी। महात्मा नाथूराम गोडसे, महात्मा नाथूराम गोडसे। अखिल भारत हिंदू महासभा, कैमरा चल रहा है, 3 गोली चल रही है। तुम आगे ले जाओ, मैं नीचे आकर बनाया तो ऊपर है। फिर मैं क्या जरा 3 मान के अभी रुक जाए, माचिस ठीक है, माचिस लोगे तो माचिस दे दो। गन्ना खून था इसका, कटू में भरे पड़े थे। माचिस है क्या? पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो, नीचे चलो, नीचे कम पड़े तो निकाल लेना, कट पीछे जा रहा है। अरे ए नारे लगा, नाथूराम गोडसे, महात्मा नाथूराम गोडसे, महात्मा नाथूराम गोडसे। की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज़ की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।